वारिस पंजाब डे पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई के दूसरे दिन कट्टरपंथी सिख नेता अमृतपाल सिंह फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ दो और प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें एक लावारिस कार से एक हथियार की बरामदगी के संबंध में है। वहीं पुलिस अब अमृतपाल और उसके करीबियों को भी जांच के दायरे में ला रही है। ऐसे में अब सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है अमृतपाल की पत्नी की। बता दें कि अमृतपाल सिंह ने इसी साल फरवरी में यूके में रहने वाली एनआरआई किरणदीप कौर से शादी की थी। शादी अमृतपाल सिंह के पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा अमृतसर में हुई। अमृतपाल सिंह ने अपनी शादी के बाद कहा था कि उसकी पत्नी उसके साथ पंजाब में रहेगी, क्योंकि ये शादी रिवर्स माइग्रेशन का संदेश था। गौरतलब है कि दीप सिद्धू के वारिस पंजाब डे का मुखिया बनने से पहले अमृतपाल दुबई में एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। बाद में वह एक खालिस्तानी समर्थक बन गया। पुलिस के मुताबिक दुबई में ही वह ISI एजेंट्स के संपर्क में आया था।